अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उर्दू अदब जमात शशम, उनवान है बच्चों के लिए चंद नसीहतें। हफ्ता है आपका 11, पेज नंबर 68 से लेके 71 तक। पढ़ाई आप इसकी कीजिए कि इस चैप्टर की ज़खीरा अल्फाज हैं, कतन, तहसीन, राम करना, हम जिन्स, रफाकत, फरागत, हमीयत, बेगाना, उल्फत, फ़कत, मिल्लत, मुरव्वत, लुत्फ, ये काम आपने कापी पे करना है। अशार की तशरीह है, यहाँ से आप देख लीजिए और कापी पे इसको कीजिए, अशार की तशरीह को। ये यहाँ तक ये तीन शेर है, यहाँ पे आके आपका ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। ये बुक वर्क है, इसको आपने मुकम्मल करना है। ये इसने आपने हिम्मत और मेहनत का, अच्छे अखलाक का, आज का काम कल पर ना छोड़ना, नेक सोहबत इख्तियार करना, साथियों से मुकाबले का जज्बा और बेजुबानों का ख्याल करना। नेक्स्ट आपका पेज आ गया, ये अशार की तशरीह है, ये वही तशरीह जो भी मैंने आपको बताई है, ये कीजिएगा। तफहीम उर्दू ग्रामर में आ जाएं आप, हफ्ता नंबर आपका 11 है। तफहीम यहाँ से ध्यान से पढ़िए, नीचे आपके क्वेश्चन लिखे कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया कब और कहाँ पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की। फिर है, सुल्तान अल्तमश ने हज़रत को क्या लकब अता किया। सुल्तान अल्तमश के ख़िलाफ़ कौन बगावत करना चाहता था। आपने किस उम्र में कुरान पाक हिफ्ज किया। पे हफ्ता 11 आपका फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। हम हफ्ता 12 की तरफ आते हैं, 12वां हफ्ता। पेज नंबर है आपका 72 से लेकर 75 तक। इसका उनवान है दोस्त। पढ़ाई करेंगे ज़खीरा अल्फाज हैं, फरागत, तबादला, मानूस, अल्लाह गुल्ला, रेफरी, हाजिर दमाही, ये सवालात हैं। आप यहाँ से दे के अपनी नोटबुक कीजिए। ये वाला काम भी नोटबुक पे करना है आपने, ऊपर वाला ज़खीरा अल्फाज वाला, और ये क्वेश्चन आंसर भी आप अपनी नोटबुक पे करेंगी। ये क्वेश्चन आंसर मुख्तसर थे, यहाँ से आपके तफसीली सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। ये तफसीली सवाल जवाब जो हैं आपकी बुक 75 में दर्ज हैं, वहाँ से सवाल अगर आप देखना चाहें तो देख लें। बहरहाल यहाँ पे मैंने सवाल भी लिख दिए हैं और जवाब भी लिख दिए हैं। ये भी वही पेज है आपके, क्योंकि तफसीली सवालात हैं तो तफसील से लिखा गया है। और ये जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है, इस खत का सबसे दिलचस्प हिस्सा नकल कीजिए। अगर आपको कोई और दिलचस्प पैराग्राफ लगता है इस खत में तो आप वो लिख लें। बहरहाल मैंने जो लिखा है पैराग्राफ पेज 73 में, शुरू कहाँ से होता है, इस दौरान दूसरी टीम के खिलाड़ी से लेकर सब लोग तालियां बजाते और शोर मचाते हैं। ठीक है, बुक से देख के आप ये लिखिएगा। आगे अल्फाज जुमले आ जाएंगे, वादा, वादे का जुमला है, फिर खुली फ़ज़ा है, साहिल समंदर, हाजर दमागी, दाव पेज। आप चाहें तो इसके अलावा भी कोई और अच्छे अगर फिक्रे आपके जहन में आते हैं जुमले तो वो ज़रूर बनाइए। ठीक है, आपका ये बुक में काम होगा, ये मल्टीपल चॉइस है, कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसमें आपको पता है कि दो या तीन चॉइसेस होती हैं जिनमें से हमने एक करनी होती। ये ख़त आसिम के नाम लिखा जा रहा है, नंबर 2 पे आएगा 2, नंबर 3 पे आ जाएगा जवाद, कराची को ना भूल सका। जवाद ने कराची में जो खेल नहीं देखा वो कबड्डी था, कबड्डी खेलते वक्त हल्ला गुल्ला देखने से ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट पे आ जाएगा आपका मैदान, उससे आगे आ जाएगा कबड्डी, फिर आ जाएगा महकमाए तालीम। ये बुक वर्क है, बुक में आपने ये काम करना है। ये वही सवालात हैं बेटा जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, ये कीजिएगा।